नमस्कार बच्चों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारतीय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का जो हमारा पाठ 6 है, जिसका नाम महाराणा प्रताप है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप जो है हमारे मेवाड़ राज्य के जो राजा थे, जिन्होंने बहुत बार युद्ध किए और अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व जीवन जो है वो उन्होंने अपना वहां पर लगा दिया था। आज उनके जीवन परिचय का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, महाराणा प्रताप पाठ 6 है हमारा, कौन सा है? महाराणा प्रताप। इसमें कह रहे हैं कि भारत वर्ष सहस्त्राधिक वर्षाणी परतंत्रम आशीत, यानी कि भारत वर्ष जो है वो हजारों वर्ष से जो है दूसरों के पराधीन था, दूसरों के परतंत्र में था। ठीक है, वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषित है तस्मिन काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशो राजान युद्धं विनेव मुगल सत्ताधीशानं आधिपत्यं स्वीकृत्यं तानेव जगदीश्वरान भव भावयन्ति स्मः। यानी कि वैदेशिक, यानी कि विदेशों के जो दूषित, जो दलित, जो लोग थे विदेशी, जो लोग थे उन्होंने हमारे को वैदिक काल में जो है मुगल वंश के साम्राज्य ने जो है मुगल वंश के जो शासन करने वाले जो थे उन्होंने मतलब हमें अपने पैरों तले क्या कर लिया था, दबा दिया था और उसके कुचल दिया था। तब तो हमारे जो राजा थे उन्होंने बिना युद्ध किए ही, युद्धम विनय मुगल, बिना युद्ध के ही मुगल वंश के क्या हो गए थे वो, मतलब समाधि, यानी कि मुगल वंश के लिए काम करने लग गए थे, मुगल वंश के पराधीन वो हो गए थे। ठीक है, इसके बाद में और उन्होंने आधिपत्य शुक्र, और उन्होंने अपनी जो है वो मुगल वंश के जो है वो जो राज शासक थे उनको अपना जगदीश्वर यानी स्वामी मान करके और वहां पर वो रहने लग गए थे, उनके लिए ही वो कार्य करने लग गए थे। तेषां सेवायां बदपरा परिकरा संतः स्वदेश रक्षा व्रत विमुखा भजन्ते स्मः, और उनकी सेवा में लग गए थे, बुद्धि परकर से उनकी सेवा कर रहे थे और स्वदेश की, अपने देश की रक्षा से जो यहाँ के जो राजा लोग थे वो क्या हो गए थे, विमुख हो गए थे। वो यहाँ के जो राजा लोग थे वो अपने देश की रक्षा से क्या हो गए थे, विमुख हो गए थे। भारतीया सर्वथा निराशाम परमात्मान्यज आश्रित्य जीवनम यापयन्ति स्म, और भारत के जो सभी जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, निराशा से और परमात्मा पर आश्रित होकर के, भगवान पर आश्रित होकर के अपना जो जीवन था उसको यापन कर रहे थे। तस्मिन्नेव अंधकारमहे कालखंडे स्वतंत्रताया दीप शिखेव आत्मगौरवश्यः मूर्तिरेवः प्रतापश्यः प्रतिमानम् इव महाराणा प्रतापः मेवाड़ राज्ये राजन्ते स्मः। यानी कि उसके बाद में अंधकार, वो जो उस जो कालखंड था, अंधकार में जो काल समय था, स्वतंत्रता और दीप शिखा और आत्म गौरव के मूर्ति प्रताप, जो महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा को हमने देखा था, एव महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य, ऐसे जो जो महाराणा प्रताप थे वो मेवाड़ राज्य में क्या कर रहे थे, मेवाड़ राज्य में रहते थे। ठीक है ना, प्रताप भारतीय स्वतंत्रता इतिहास से
स्वतंत्रतायाः अप्रतिम युद्धा रूपेण स्मरन्ते, यानी कि जो महाराणा प्रताप थे वो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के प्रति युद्ध करने के लिए वो क्या थे, वह वहां पर स्थित थे या प्रसिद्ध थे। स्वी पंच विश्व वर्षा तम कम के शासन काले मुगले सह अनेक बार युद्धम कृतवान, और पंच 25 वर्ष तक जो है मुगल शासन के काल था उसमें उन्होंने अनेक बार युद्ध किया। जीवने ने का भी विपरीत तो स्थिति भी समतत्यमानो अपि कदापि पराजयम दैत्यम वान प्रदर्शितवान, यानी कि जीवन में अनेक प्रकार की विपरीत जो स्थितियां हैं वो आई और उन्होंने संयम रख करके और पराजय संयम रख के उन्होंने मतलब कभी भी पराजय को नहीं माना, पराजय को नहीं प्रदर्शित होने दिया है। यानी कि प्रस्तुत पाठ में जो प्रातः है जो स्मरणीय से प्रतापस्य परिचयम ददाति, प्रस्तुत पाठ में जो है वो प्रातःकाल स्मरणी जो महाराणा प्रताप हैं उनके जो परिचय के बारे में बताया गया है। इन छात्रातस्य जीवनेन प्रेणाम प्राप्त नुयु, यानी कि सभी छात्रा जो हैं वो इसको जीवन में प्राप्त करके या जीवन में इसको अपने जीवन में क्या करो उतारो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप, हमने महाराणा प्रताप के जीवन जो परिचय था उसमें पढ़ लिया था। इसके बाद में हम आगे हमारे जो अध्याय उसकी ओर चलते हैं। उत्तर सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्यः पुण्यभूमि मेवाड़ राज्यस्यः राज्यम को न जानाति, यानी कि जो उत्सर्ग की जो परंपरा की जो उद्भव भूमि है महाराणा प्रताप की, जो पुण्य भूमि है मेवाड़ जो है उस राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्यम सूराणाम शौर्येण यूनानम आत्माभूत्या सती नाश्यः जौहरम परंपराया विश्वस्मिन् जगति महति प्रसिद्धम अलभत, यानी कि इस राज्य में सूरवीर और शौर्य को धारण करने वाले जो है और अपनी आत्मा की आहुति देने वाले और सती नाम सज्जन और जौहर परंपरा को करने वाले विश्व जगत में महान कहे जो प्रसिद्ध है, विश्व जगत में बहुत ही वो प्रसिद्ध है। इस राज्य में जो वीर हैं, जो शौर्य को धारण करने वाले हैं, जो अपनी आत्मा की आहुति देने वाले हैं, वो इस विश्व में क्या है बहुत ही प्रसिद्ध लोग हैं। ठीक है, इसके बाद में मेवाड़ राज्यस्य सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, मेवाड़ राज्य में जो सिसोदिया वंश था उसके क्या थे, बप्पा रावल राणा हमीर और राणा संगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घ परंपरा विद्यते, यानी कि जो बप्पा रावल राणा हमीर और राणा संगा जो थे उन वीरों की सुदीर्घ यानी कि लंबी जो थी दीर्घ जो थी वो परंपरा जो क्या थी वो चल रही थी। अस्यमेव परंपराया महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य 1517 तमे वर्षे और 1540 ईस्वी याब्दे ज्येष्ठ
शुक्ल तृतीया या अभवत, यानी कि उसी समय उसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म जो है विक्रम संवत 1596 ईस्वी में, और उसके बाद में 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखिए प्रताप बाल्य काला देव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक आशीत, और महाराणा जो प्रताप थे वो बाल्यकाल से ही बालकपन से ही वो वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी थे और धीर नायक भी थे। पितुः उदय सिंहस्य अनन्तरं प्रतापः महाराणा पदवी प्राप्य स्ववयस 32वें तमे इस वर्षे मेवाड़ राज्यस्य राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्। यानी कि पिता कौन थे उनके, उदय सिंह, पिता उदय सिंह के बाद में महाराणा जो प्रताप थे वो उन्होंने पद को क्या किया था, प्राप्त कर लिया था, और 32वें तमे वर्षे में मेवाड़ सिंहासन पे क्या हो गए थे, बैठ गए थे। और इसके बाद में तस्य राज्याभिषेक गोकुल, और उनका राज्य जो अभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था, गोकुंडा ग्राम में हुआ था। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर महाराणा जो प्रताप है उनका जन्म कब हुआ था, 1540 ईस्वी में जेठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। ठीक है, और इनके पिता जो उदय सिंह थे उनके बाद में 32 वर्ष के जब थे तब इन्होंने राज्य सिंहासन को ग्रहण कर लिया था, राज्य सिंहासन पर क्या हो गए थे, बैठ गए थे। ठीक है, इसके बाद में इनका राज्य अभिषेक जो हुआ वो गोकुंडा ग्राम में हुआ था। आगे देखें बच्चों, देखिए तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत, और उस समय उस काल में उत्तर भारत में मुगल जो वंश के लोग थे उनका शासन था। राजान् तस्सेवामेन स्वकर्तव्यं मन्यमानः देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वदा विमुखा आसन, और जितने भी राजा थे वो अपने कर्तव्य से क्या हो गए थे, विमुख हो गए थे, और जो उनका कर्तव्य था देश रक्षा करने का उससे वो क्या हो गए थे, सभी जो राजा थे सभी जो लोग थे वो सब उस कर्तव्य से क्या हो गए थे, अपने देश की रक्षा के कर्तव्य से विमुख हो गए थे। मुगल शासकस्य सहायम विधाय आत्मगौरवम मन्यते स्मः, तब तो वो जो राजा थे वो मुगल शासकों की सहायता करते थे विभिन्न प्रकार से, आत्मगौरव की जो है वो रक्षा करते थे और उनके ही मानते थे। ठीक है, शत्रु भी सदीर्घकालीन युद्धानां करणेव न मेवाड़ राज्य स्थिति समीप चीनाम न आसीत, और शत्रुओं से लंबे समय तक युद्ध करने के लिए मेवाड़ राज्य की जो स्थिति थी वो सही नहीं थी। ठीक है बच्चों, यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदयसिंह तथा तब भी जो महाराणा प्रताप के जो पिता थे महाराणा उदयसिंह वो क्या थे, वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। जो महाराणा प्रताप के जो पिता जो थे महाराणा उदय सिंह वो कैसे थे, वो प्रतापी राजा थे। किंतु परिस्थिति वशान चित्तौड़ आदि स्थानानि
अक्रांत्र भी रधिग्रहतानी, यानी कि किंतु परिस्थिति के वश चित्तौड़ आदि जो राजस्थान थे उनको क्या कर लिया था उन्होंने, आक्रमण से ग्रहण कर लिया था। अतः एव सिंहासन मधिरूढ़ प्रताप हस्त शान प्रमुख दुर्गान प्राप्त चिंतना मारे भी, ठीक है ना। यानी कि सिंहासन पर जो प्रताप जो बैठे हुए थे, जो उनके हाथों से जो दुर्ग जो जो किले जो है उनको प्राप्त करने की क्या कर रहे थे, चिंता कर रहे थे। जो उनके हाथों से जो उनके स्थान जो चले गए हैं, जो किले जो चले गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए अपने मन में चिंता को कर रहे थे। प्रथमं सह स्वामी भक्त समा सामंतानां स्थानीय भिल्लजनानां च सभा आकारितवान, यानी कि पहले उन्होंने अपने स्वाभिमान से या स्वामी भक्त जो सामंत जो जन थे और स्थानीय जो भीर जन जो लोग थे उनको एक संगे एकत्रित किया और वहां पर एक सभा में क्या किया, उनको सभा आकारितवान और उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। किसने, महाराणा प्रताप ने अपने स्वामी भक्त जो थे सामंत जन और भीर जन उन्होंने एक सभा में उनको एकत्रित किया, एक सभा में उनको बुलाया। तत्रैव सह प्रतिज्ञां कृत्वा और वहां पर महाराणा प्रताप ने एक प्रतिज्ञा की थी, वहां पर महाराणा प्रताप ने क्या किया था, प्रतिज्ञा की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, यावत अहम हस्त्युस्तान स्वराज्य भागान पुनः प्राप्स्यामि तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, राज प्रसादे वासम न करिष्यामि, मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि। यानी कि महाराणा प्रताप ने वहां उस सभा में एक प्रतिज्ञा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक हस्त्युस्तान स्वराज्य भाग, जब तक जो हमारा जो जो राज्य का जो भाग हमारे हाथों से चला गया है, न प्राप्स्यामि उसको प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक सुवर्ण पात्र सोने के पात्र में या सोने की थाली में मैं कभी भोजन नहीं करूंगा और राज प्रसाद और राज्य में कभी भी निवास नहीं करूंगा। और मृदु तल्पे का मतलब होता है कि मैं तल्पे गद्दे में कोमल गद्दों पे कभी भी शयनम न करिष्यामि, कोमल गद्दों पे मैं कभी भी शयन नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, ऐसा महाराणा प्रताप ने जो है वो अपनी प्रतिज्ञा में कहा। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत, और प्रताप का जो महाराणा प्रताप का जो राज्यकाल था उसमें अकबर नाम का एक मुगल शासक था। उस समय मुगल शासक कौन था, अकबर था। अकबरस्य सेनाया सह प्रतापस्य अनेक वारं युद्धम अभवत, और अकबर अपनी सेना के साथ प्रताप के साथ में अनेक बार क्या किया, युद्ध किया। बहुत बार अकबर और प्रताप के बीच में युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने, मुख्य युद्ध कहाँ पर हुआ, हल्दी घाटी स्थान पर। जो महाराणा प्रताप और अकबर का जो मुख्य युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी के स्थान पर हुआ था। अतः एव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्ध, इसीलिए यह जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो बहुत ही प्रसिद्ध है।
अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतकः इति नामकम् अश्वम् आरुहा बहु शौर्य प्रदर्शितवान्। और इस युद्ध में प्रताप का ज्यादा महाराणा प्रताप का जो चेतक नाम का जो अश्व घोड़ा था उसने बहुत ही शौर्य को दिखाया। प्रतापश्यह सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। और महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो पर्वतों के पर्वतीय युद्धेषु कुशला, पर्वतों के जो युद्ध थे पर्वतों पर चढ़कर जो युद्ध किए जाते थे उसमें क्या थी, कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया अति क्षति जाता। और वहां से जो है मुगल सेना की क्या हुई, बहुत ही क्षति हुई। मुगल सेना स्थानीय जनाना विरोध कारणेन परावर्तिता। और मुगल सेना जो है वो स्थानीय जन वहां रहने वाले जो स्थान पर रहने वाले जो लोग थे उनके विरोध के कारण परावर्तिता यानी कि वापस चली गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्यः राज्ये अपि जन क्षति धन क्षति च संजाता। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के राज्य में जनों की हानि और धनों की हानि भी हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता। और उनकी सेना जो थी वो जो है धन के अभाव से बहुत बिखर सी गई थी। ठीक है, इसके बाद में परम प्रताप कदापि पराजयम् न स्वीकृतवान। यानी कि पर प्रताप ने जो महाराणा प्रताप ने जो है वो कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया था। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहणम् उपाक्रमतः। और उन्होंने अनेक प्रकार के गुफा और जंगलों में प्रदेशों में अपना जो संकल्प जो था उसको सिद्ध करने के लिए संग्रहण किया। और सभी को मतलब उन्होंने अपने मतलब जो संकल्प था उसका चिंतन किया। सैन्य संग्रहणम तत् प्रतिक्षणम च बहु वित्त साध्यम कार्यम। और ऐसे जो संग्रह को संग्रह करके और सैन्य संग्रहण करके तत् जो उनका जो प्रशिक्षण था उसको बहुत से मतलब विचार करके साधक साध्य करके उन्होंने कार्य को किया। महताम दारिद्रणेन परि तप्यमानस्यः प्रतापस्यः इदमेव बहु चिंता कारणम् आसीत्। यानी कि और महान जो दरिद्रता से जो परिपक्व परितव्य जो प्रताप जो थे वो उन्होंने क्या किया, बहुत चिंता करना इसका बहुत ही चिंता वो कर रहे थे। प्रतापश्यः चिंताम विभाव्य भामासा नामा कश्चित श्रेणी सृष्टि किमपि महत्व कार्यम कर्तुम कालः समयात इति भावितवान। और महाराणा प्रताप की चिंता को देख करके भामासा नाम का एक जो सेठ था वो किसी महत्वकार से वहां पर कर्तुम कालम समायाति और वहां पर आ गया। स प्रतापम निकषा दत्त्वा उवाचः। तब तो वह प्रताप के पास गया और कहने लगा, प्रभु अहम् भववंशस्य सेवकः। यानी कि मैं तुम्हारे वंश का जो है वो सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभु तम धनम विदते, मेरे हाथ में कुछ धन है। तेन भवान पंच विश्व सहस्त्र सैनिकान द्वादश वर्ष पर्यंतम पालयतु। भगवान यानी कि हे भगवान, आपके जो 25,000 जो सैनिक हैं
वो द्वार 12 वर्ष पर्यंत तक उनका पालन पोषण हो सकता है, उनके लिए ये धन बहुत ही पर्याप्त है। इति तदा प्रतापो वाचत, प्रताप बोलते हैं अहम ने तधनम स्वीकर्तुम शक्नोमि एतत् धनम भवताम अर्जितमस्ति। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी का धन स्वीकार नहीं करता और यह धन मैं कभी भी अर्जित नहीं करूंगा। तब भामाशाह ने कहा, भामाशाह प्रावुचतः नित्यधनम परकीयम स्वदेश रक्षार्थ मया अर्जितम धनम यदि सहायकम भवेत तही मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। उन्होंने कहा, भामाशाह जो थे उन्होंने कहा कि ये जो धन है वो आपके ही यहाँ से मैंने प्राप्त किया है और देश की रक्षा अर्जित मिदम, और देश की रक्षा अगर इस अर्जित धन से जो है इसकी सहायता से होती है तो मेरा जीवन जो है वो सार्थकम भविष्यति सार्थक हो जाएगा। इति भामाशाहस्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मन असीम सात्त्वनाम आप्तवान। और ऐसा सुन करके महाराणा जो प्रताप थे उनके जीवन में क्या हुआ, बहुत ही अशीष असीम और सात्विक भावना आ गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं, देखिए तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम महासैन्यम स रचया मासह। तब ऐसा जो जब जो शाह थे भामाशाह जो थे उन्होंने अपना धन जो है वो महाराणा प्रताप को दे दिया था, तभी जो है जो महाराणा प्रताप जो है वापस से सैन्य शक्ति का सैनिकों का संग्रह करने लग गए थे, आरब्ध हो गए थे और महासेना की जो है वो क्या कर रहे थे, रचना करने लग गए थे, महायुद्ध के लिए वो तैयार के रचना करने लग गए थे। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र युद्धम पागोर। तभी उनकी सेना ने क्या किया, मुगल शासकों के प्रति स्वतंत्र युद्ध का प्रारंभ कर दिया। स्वराज्य हस्ताच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान। और जो उनके राज्य जो थे, जो उनके हाथ से जो राज्यों के हाथ से महाराणा प्रताप के जो अनेक भाग थे राज्यों के जो उनके हाथ से चले गए थे उनको उन्होंने पुनः अपने हाथ में ले लिया। ते ही मोही गोगुंदा, यानी कि उनमें तेज मोही कौन कौन से थे, मोही मोही गोगुंदा उदयपुर इत्यादि जो मुख्य राज्य थे वो उन्होंने क्या किया, वापस से ले लिए। स्व राज्य शांति चावर्ण नामक स्थानम स्वराज्य धाम अकरोत। और यानी कि अपने जो राज्य की जो शांति की जो स्थापना की वो चावण नामक जो राजधानी थी उसको क्या किया, उसको स्थापित कर दिया। ठीक है, तस्मिन काले चावण स्थानम स्थापत्य कालाय ललित कलायाः वाणिज्यस्यः विद्याश्यः प्रमुख केन्द्रम आसीत। उस समय में उस काल में चावण जो स्थान था, चावण नामक जो स्थान था वो स्थापत्य कला में, ललित कला में और वाणिज्य के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में क्या था, प्रमुख केंद्र था। अंते असावधानतया पादे धनुष
प्रतंचाघातेन प्रतापो अस्वस्थ अभवत। तब तो उनका जो बाद में क्या किया कि असावधानी पूर्वक धनुष से, धनुष की प्रतंचा से जो है वो प्रताप को अस्वस्थ कर दिया। और 1596 ईस्वी में प्रताप, महाराणा प्रताप का जो है दिवंगत महाराणा प्रताप का क्या हुआ, मृत्यु हो गई, वो स्वर्गवास को चले गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, उसके बाद में प्रताप महान सेना नायक। प्रताप कैसे थे, प्रताप कैसे थे, महान सेना नायक थे और जननायक भी थे, व्यवस्थापक भी थे और संगठनकर्ता भी थे। प्रताप महान सेना नायक और जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासिनः अधुनापि तस्य स्वातन्त्र्य प्रेरणा शौर्यं गाथा गायन्ति। और भारत जो वासी जो लोग हैं वो इनकी हमेशा आज भी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता के संग्राम में इन्होंने जो अपना जो सर्वस्व बलिदान कर दिया था उसके लिए महाराणा प्रताप का जो है वो जीवन की जो है वो गाथा को गाते हैं। ठीक है बच्चों, ही जो हमारा जो पाठ जो था कक्षा 10 का जो छठवां पाठ जो था वो महाराणा प्रताप, इसमें हमें बताया गया है कि महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने 32 वर्ष की आयु में ही अकबर से 25 बार युद्ध किया और कभी भी उन्होंने पराजय को नहीं माना। और उसके बाद में उन्होंने अपनी जो राज्य के जो भाग चले गए थे उनको मतलब वापस अपने हाथों में लेने के लिए उन्होंने काफी बार उनसे युद्ध किए और अपने राज्यों को अपने आप ही मतलब ले लिया। और इसके बाद में पूरी प्रजा को, मुगल साम्राज्य के जो राजा थे उनसे उन्होंने मतलब स्वतंत्र करवाया। और इसके बाद में महाराणा जो प्रताप जो थे उनकी मृत्यु 1596 ईस्वी में हो गई थी। और ये महान ही प्रतापी राजा थे, महान ही सेनानायक राजा थे और संगठनकर्ता भी थे। आज भी जो भारतवासी जो है उन्होंने महाराणा प्रताप का जो है वो गुण आज भी गाते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में आज भी लोग जो हैं वो प्रशंसा करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।